ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम लोग तापमान जो है उसको स्थिर रखते हैं तो ध्वनि की वेग पर यानी कि साउंड की वेलोसिटी पे आपका प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लेते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं कर रहा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर जो आपका स्पीड है, वेलोसिटी है आपके साउंड का, वो वेलोसिटी पर आपके प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम लोग तापमान में वृद्धि करते हैं यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपके साउंड की भी जो स्पीड है वो भी आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपकी हवा में नमी अधिक होती है यानी ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ आपकी ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। और यही वो वजह है जिसके कारण ग्रीष्म काल की तुलना में बरसात के मौसम में आपकी स्पीड जो है साउंड की वो अधिक होती है, क्योंकि आपके रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण आपके साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। अब हम लोगों ने डॉपलर प्रभाव के बारे में सुना है। डॉपलर का प्रभाव जो है वो ध्वनि के फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, उसके इंटेंसिटी से नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, इंटेंसिटी से नहीं। अब हम लोग मैक संख्या की बात करते हैं। मैक संख्या किसे कहते हैं? तो ये एक ऑब्जेक्ट की गति यानी वस्तु की गति को डिवाइड कर देंगे ध्वनि की गति से, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मैक नंबर पता चल जाएगा, उसे उनका मैक संख्या पता चल जाएगा। आपके जो सुपरसोनिक मोशंस है यानी कि वैसे मोशंस जिसका की स्पीड जो है वो आपके साउंड की स्पीड से ज्यादा होता है, तो उसके लिए उसका जो मैक संख्या है वो आपका एक से अधिक होता है। भाई अगर आपकी वस्तु की स्पीड साउंड की स्पीड से कम होगी तो एक से कम होगी, और अगर बराबर होगी देन मैक संख्या एक के बराबर होगी। अब इको जो है वो हमें क्यों सुनाई देता है? तो इको हमें साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण सुनाई देता है, तरंगों के परावर्तन के द्वारा हमें इको सुनाई देता है, उसके कारण सुनाई देता है। अब इको सुनाई देने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस, और कंडीशंस ये है कि जहां से हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उन दोनों के बीच की दूरी 17 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और ऐसा होने के बीच जो समय अंतराल होना चाहिए वो 0.1 सेकंड से कम नहीं हो सकता। ठीक है, सो टाइम लैप्स 0.1 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, और उनके बीच की जो दूरी है साउंड के सोर्स और रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच की दूरी वो 17 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगे तो हमें इको सुनाई जरूर देगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मेगाफोन है इसका इस्तेमाल, मेगाफोन क्या करता है? तो वो दूर स्थानों पर ध्वनि को फैलाता है, दूर स्थान पर ध्वनि को फैलाने का काम करता है। अगर हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी ध्वनि पियानो की है कौन सी गिटार की है, तो इसका पता लगा सकते हैं दोनों की क्वालिटी पे। दो पियानो की ध्वनि कुछ अलग प्रकार की होती है और गिटार की ध्वनि कुछ अलग प्रकार की होती है। हम लोगों ने सुनार के बारे में सुना है। सुनार क्या करते हैं? तो वो साउंड के रिफ्लेक्शन पे काम करती है। साउंड वेव्स अगर किसी से टकराती हैं तो वापस से रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इसी प्रिंसिपल पे आपके सुनार वर्क करता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, और आपके ओशन के सरफेस के नीचे क्या कुछ हो रहा है इन सब चीज का पता लगाने के लिए, ओशन के डेप्थ का भी पता लगाने के लिए सुनार का इस्तेमाल किया जाता है। साउंड का पिच क्या होगा ये डिपेंड करता है आपकी फ्रिक्वेंसी पर। साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि उस साउंड का पिच क्या होगा। अब ठीक है, तो अगर कोई सरफेस है, कोई आपका सरफेस है और इससे आपका साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, तो रिफ्लेक्ट जब होता है तो ना तो साउंड के वेलोसिटी में, ना तो उसके वेवलेंथ में, और ना ही उसके फ्रिक्वेंसी, इन तीनों में से किसी चीज पे कोई भी असर नहीं पड़ता। साउंड का ऑडिबल रेंज क्या है, यानी वो रेंज क्या है जिसमें हम साउंड को आसानी से सुन सके, तो दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की अगर ध्वनि होगी तो हम आसानी से उसे सुन पाएंगे। ओके, अगर ध्वनि जो है वो आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाती है, मान लीजिए ये हमारा ग्लास है और ग्लास से वो एयर में जाती है, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, लेकिन साउंड का स्पीड, उसका एम्पलीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी, इन तीनों ही चीज में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग एक टेलीफोन रिसीवर की बात करें तो उसमें क्या होता है, तो एक टेलीफोन रिसीवर में आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपके साउंड एनर्जी में बदल जाता है।
ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम आगे बात करते हैं। अब आपकी जो प्रकाश की किरणें होती है, हम लोग लाइट वेव्स के बारे में बात करेंगे। आपकी लाइट वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, यानी विद्युत चुंबकीय होते हैं। और प्रकाश तरंगों को यानी लाइट वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। प्रकाश की किरणें जो है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। हम लोगों ने बात की थी कि साउंड वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि आपके लाइट वेव्स आपके ट्रांसवर्स वेव है, और ये पोलराइजेशन का प्रदर्शन करते हैं, यानी दे कैन बी पोलराइज्ड इजीली। वाइल जबकि आपका जो साउंड वेव था उसको हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते। हम सभी को आसमान नीला नजर आता है, और आसमान के नीले रंग का कारण क्या है, उसका परिकरण करना। हम लोग नीला रंग चूंकि सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, इसीलिए हमें स्काई जो है वो नीला नजर आता है। अब जब एक प्रकाश का यानी लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो लाइट के वेलोसिटी, उसके एम्पलीट्यूड और उसके वेवलेंथ, इन तीनों ही चीजों में परिवर्तन आता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है, जबकि वेलोसिटी, आपकी एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ ये बदल जाती है। हम लोग बहुत बार देखेंगे कि आपका जो पानी है उसमें अगर हम लोग एक रड रखते हैं और ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं, तो आपका रड टेढ़ा दिखता है, हमें मुड़ी हुई दिखती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे इसका क्या रीजन है, तो रिफ्रैक्शन रीजन है। उसी तरह मरीचिका, जो आपका मिरेज कहते हैं, वो क्यों फॉर्म करता है, तो वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके कारण होता है। अब हम लोग मायोपिया की बात करें, तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष है। कहने का अर्थ है, मायोपिया जब होता है तो जो पर्सन है आपकी नजदीक की वस्तुओं को बहुत अच्छे से देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाता। वही अगर किसी को हाइपरमाइट्रोपिया है, तो वो दूर की वस्तुओं को अच्छे से देख पाएगा, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाएगा। बढ़ते आगे। अब जो आपके मायोपिया है, अगर हमें उसे करेक्ट करना है, ठीक करना है, ताकि हमें दूर की चीजें भी आसानी से दिखे, तो उसको हम लोग करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस, जिसे हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। जबकि हाइपरमाइट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। रीडिंग लेंस में भी हम लोग एक शॉर्ट फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वही हम लोग जानते हैं कि कारवार में भी हमारे मिरर्स होते हैं, तो वहां पे ड्राइवर एक कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करता है, ताकि वो पीछे की जो ट्रैफिक है उसको आसानी से देख पाए। एस्टिगमेटिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो आपके हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, इन दोनों के बीच में एक साथ साइमल्टेनियसली जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस दोष को हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो इस दोष को करेक्ट करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करके एस्टिगमेटिज्म जो बीमारी है उसको ठीक किया जा सकता है। अब एक जो पॉलिश्ड हीरा है वो बहुत चमकता है, पर उसकी चमकने के पीछे का कारण होता है उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इसके कारण वो आपका बहुत ज्यादा चमकता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ एक स्टार का क्या रंग होगा, उस पर डिपेंड करता है कि उसका तापमान क्या होगा। ठीक है, अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट की बात करें, तो इसका यूनिट होता है कैंडेला। अगर हमारा दो मिरर है और उस मिरर के बीच का एंगल थीटा डिग्री है, तो उसके द्वारा जो बनाए गए, उन दोनों मिरर्स के द्वारा बनाए गए जो इमेजेस की संख्या होगी, उसके निकालने का फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1। ये हम लोग को नंबर ऑफ इमेजेस दे देगा। ठीक है, अब जो आपके प्रकाश, हम लोग जानते हैं कि जो सोप बबल्स है, बहुत बार हम देखेंगे तो उसका रंग हमें दिखता है, और रंग दिखने के पीछे कारण होता है आपके लाइट की स्कैटरिंग होना। ओके, अब जो रेड कलर होता है डूबते हुए सूर्य का, रेड कलर क्यों दिखता है? क्योंकि वो लाइट स्कैटर होता है। शुरू में आपका ब्लू लाइट सब कुछ स्कैटर हो चुका होता है, अंत में आपका रेड लाइट स्कैटर होने के कारण हमें सूर्यास्त के समय सूर्य लाल नजर आता है। आगे अब बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत बार आपका जो बकेट होता है, अगर हमारा पानी का बकेट है तो उस और उसमें अगर हम लोग एक सिक्का डालते हैं, तो सिक्का जो है वो हमारा ऊपर ही नजर आता है हमें। ठीक है, ऊपर ही वो नजर आता है,
पानी गहरा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर ऊपर से देखने की हम कोशिश करते हैं तो हम लोग को सिक्का काफी ऊपर नजर आता है। और इसका रीजन ये होता है, इसका रीजन होता है रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्रैक्ट करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो एयर से आपका वाटर में एंटर करता है, तो मीडियम चेंज होता है जिसके कारण रिफ्रैक्ट करता है, और उसी की वजह से हमें पानी में जो सिक्का है वो थोड़ा ऊपर नजर आता है। अब होलोग्राम किसे कहते हैं, तो आपका जो थ्री डायमेंशनल इमेज होता है उसी थ्री डायमेंशनल इमेज को हम लोग होलोग्राम कहते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक प्लेन मिरर है जिसको कि हम लोग रोटेट करते हैं एक एंगल थीटा से, तो उसके जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपके टू थीटा के कोण से घूम जाते हैं। ओके, अगर एक जो मिरर है वो थीटा डिग्री से रोटेट होगा तो उसके जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपके सीधे टू थीटा से रोटेट हो जाएंगे। ओके, हम लोग जानते हैं कि आपका समुद्र का पानी या फिर जो आपका आसमान है वो आपका नीला नजर आता है, और वो नीला क्यों नजर आता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ड्यू टू स्काईज रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपका जो सी वाटर है वो आपका पानी के पार्टिकल्स के द्वारा लाइट स्कैटर होने के कारण नीला नजर आता है, वही आपका स्काई के द्वारा स्कैटरिंग के कारण आपका स्काई ब्लू नजर आता है। ओके, हम लोग जानते हैं मानव की आंख में भी एक लेंस है, और कौन सा लेंस हमारी आंखों में है, तो उत्तल लेंस है, दैट इज कन्वेक्स लेंस है। अगर हमें इरेक्ट इमेज देखना है सेम साइज का जैसा कि ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके प्लेन मिरर में ही देख सकते हैं, अगर हम लोग को इरेक्ट भी देखना है और आपकी सेम साइज का भी देखना है। तो आपका रमन प्रभाव जो है वो भी आपकी लाइट की स्कैटरिंग से ही रिलेटेड है। ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस है जो कि पूरी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, और अब हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा कोई, अगर मान लेते हैं हम लोग इंसिडेंट कर रहा है लाइट, और लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों के दोनों भी जीरो ही होंगे। आप याद रखिएगा, ऐसे भी हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी जीरो ही होगा। एंडोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग शरीर और पेट के जो आंतरिक अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनका प्रशिक्षण करते हैं। ठीक है, और ये जो टेक्निक है ये किस पर आधारित है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये टेक्निक बेस्ड है। अब कन्वेक्स मिरर में हम लोग को किस प्रकार का इमेज देखने को मिलता है, तो हमें सीधा यानी इरेक्ट इमेज देखने को मिलता है, लेकिन इमेज का जो साइज होता है वो एक्चुअल इमेज, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से छोटा होता है, ऐसा इमेज हमें कन्वेक्स में देखने को मिलता है। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग कैसे के लिए करते हैं, तो पार्श्व दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के तौर पर करते हैं, स्पेशली कार वार में, ताकि जो ड्राइवर है वो पीछे जो ट्रैफिक है या जो लोग है उसको आसानी से देख सके। ठीक है, अब चूंकि लाल रंग जो है वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है, हम देखते हैं कि जितने भी खतरे वाले सिंबल है वो सबके सब रेड से लिखे जाते हैं। इसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है कि आपका जो लाल रंग होता है वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है, सबसे कम चित्राया जाता है, और इसी के कारण हम दूर से भी लाल रंग को स्पष्ट देख सकते हैं। इसीलिए जितने भी खतरे के सिग्नल्स होते हैं वो सबके सब आपके रेड में बनाए जाते हैं, सो दैट लोग पहले से सतर्क हो सके। आपका पानी में जो हवाई बुलबुला होता है वो भी आपके एक लेंस के तौर पर काम करता है, और किस तरह के लेंस के, तो कंकेव लेंस का काम करता है। अब हाइपो किसे कहते हैं, हाइपो अर्थात सोडियम थायोसल्फेट, इसके सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में, अगर हमें कुछ मरम्मत करना है तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक ऑप्टिक ऑब्जेक्ट हम लोग को किस रंग का दिखता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर जो लाइट टकराई और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई, तो ये जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जो लाइट होगी, तो वही सारी लाइट का मिक्सचर हम लोग को वो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट जो है वो दिखेगा। हम बात करते हैं हम लोग आगे, अब हमारी रेटिना पे हम जानते हैं कि इमेज बनता है, लेकिन रेटिना पे जो हमारा इमेज बनता है उसका आकार छोटा होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे उल्टा होता है। ठीक है, ये हमारे रेटिना पे बनता है। अगर हम लोग दो प्लेन मिरर है उसके बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को रखने पर हमारा इनफिनाइट यानी कि अनंत इमेज बनेगा, अगर दो प्लेन मिरर के बीच में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब। अगर एटमोस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता, तो हमारा आसमान किस प्रकार का दिखाई देने लगता, काला दिखाई देता, क्योंकि तब कोई स्कैटरिंग होता ही नहीं, और स्कैटरिंग नहीं होता तो कोई कलर हम लोग को देखने को नहीं मिलता।
अब आकाश और जल जो है वो आपके ब्लू नजर आते हैं। पहले भी मैंने बात की, क्यों? क्योंकि आपका ब्लू कलर का वेवलेंथ छोटा होता है, वो ज्यादा स्कैटर होता है, इसके कारण हमारा स्काई और जितनी भी वाटर बॉडीज है वो सबके सब ब्लू नजर आते हैं। अब एमीटर जो है, एमीटर की मदद से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। वही चीज उल्टा वोल्टमीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अधिक होता है। हम चाहें तो एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हमें एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस का वायर उसके साथ पैरेलल में अगर जोड़ते हैं तो आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वही अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस का वायर अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं, किसमें? सीरीज में अगर जोड़ते हैं, तो वो वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर किसमें? वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग को एमीटर को कनेक्ट करना है किसी सर्किट से तो हमेशा उसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जबकि अगर हमें वोल्टमीटर को कनेक्ट करना होता है तो हम हमेशा उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं आगे। ओके, सो एक हमारा जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, जबकि एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस सिंपली इनफिनाइट होता है। ऊर्जा की एक और इकाई होती है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं, और उसे स्मॉल ई और कैपिटल वी की मदद से दिखाया जाता है। वाट जो है वो क्या होता है, तो ये शक्ति की इकाई है या पावर का यूनिट है। किलोवाट आपका इलेक्ट्रिकल यूनिट एनर्जी का यूनिट है, एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके, आपका जो लो पावर बल्ब है यानी जिसका वाट कम होता है, वैसे बल्ब का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। ठीक है, अब आपका जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है तो हम जानते हैं उसमें फिलामेंट होता है, और उस फिलामेंट को जनरली उस मटेरियल से बनाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो तो इस हीट के कारण आपका फिलामेंट जो है वो मेल्ट ना कर जाए। इसीलिए हम लोग बहुत हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टंगस्टन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें जो आपका वायर होता है वो किससे बना होता है, तो नाइक्रोम से बना होता है। फ्यूज वायर किससे बना होता है, तो लीड और टीन से बना होता है। एक ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, और ये जो है ये अल्टरनेटिंग करंट के पोटेंशियल को चेंज करने में मदद करता है। याद रखने की बात है कि जब भी ट्रांसफार्मर काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के साथ ही काम करेगा, डायरेक्ट करंट के साथ वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। अब हम लोग कुछ कंडक्टर वगैरह के टर्म में बात करें, देन आपका सिल्वर जो है यानी कि चांदी, वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छा चैनल। ठीक है, वही अगर हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है तो हम लोग सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायनेमो क्या है? डायनेमो एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसके कोर को हम लोग लैमिनेट करते हैं, और इसको लैमिनेट करने का रीजन होता है ताकि ईडी करंट जो है उसका फॉर्मेशन ना हो। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर को क्यों लैमिनेट किया जाता है, उसके पीछे का रीजन यही होता है कि आपका ईडी करंट जो है वो आपका प्रिवेंट उसको रोका जा सके। ठीक है, एक लेंस लॉ होता है, और लेंस का नियम जो है वो किस पर बेस्ड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड। ओके, नाउ अब अगर हम लोग एक चोक कुंडली की बात करें, चोक कॉइल की बात करें, तो चोक कॉइल के केस में आपका इंडक्टेंस जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं वो काफी अधिक होता है, जबकि उसका रेजिस्टेंस जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं वो काफी कम होता है। चोक कुंडली यानी चोक कॉइल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में करते हैं। अब थर्मिस्टर क्या होता है, तो एक आपका नॉन ओहमिक सर्किट है, यानी कि वो ओम्स लॉ का पालन नहीं करेगा। ओम्स लॉ क्या होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये थर्मिस्टर उसका पालन नहीं करता। जर्मन सिल्वर आपका एक अलॉय है, जो किसका किसका अलॉय है, तो कॉपर जिंक और निकल का ये एक मिश्र धातु है या फिर अलॉय है।
कैडमियम सेल को ही हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड सेल कहते हैं, स्टैंडर्ड सेल अर्थात कैडमियम सेल दोनों एक ही चीज है। और जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है तो हम लोग हाई ऑल्टरनेटिंग करंट पे हाई एसी वोल्टेज को उसको ट्रांसफर करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपकी एनर्जी की जो लॉस है वो उसको हम लोग कम से कम कर सकें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आइसोटोप्स किसे कहते हैं? तो आइसोटोप्स आपके एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन आपका मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन तीनों ही केसेस में आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है लेकिन पहले वाले में मास नंबर 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3। तो चूंकि मास नंबर का अंतर है, एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये तीनों क्या है, आइसोटोप। उसी तरह आइसोबार्स क्या है? आइसोबार वैसे एलिमेंट हैं जिनके न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं हम लोग, तो न्यूक्लियॉन्स वो हो गया जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है और आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर दोनों प्रेजेंट है और तो इसको हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहते हैं। और आइसोबार के केस में मास नंबर आपका सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, यानी इस केस में अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम का जो संख्या है वो आपका बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हीलियम है तो ये दोनों का एटॉमिक नंबर अलग लेकिन मास नंबर बराबर, सो ये आइसोबार होंगे। इसी तरह कार्बन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर 14 14, दोनों इसे आइसोबार कहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों के दोनों प्योर सेमीकंडक्टर हैं। अगर एम्पलीफाइंग डिवाइसेस के बारे में बात करें तो ट्रांजिस्टर और ट्रायड वाल्व, ये दोनों के दोनों एम्पलीफाइंग डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। इंटीग्रेटेड चिप्स बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी फॉसिल है जीवाश्म में उसकी आयु पता करनी है कि वो कितनी पुरानी है तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डेटिंग वो मेथड है जिसके जरिए हम लोग पुराने फॉसिल्स का एज पता लगा सकते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारा न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन को बहुत बार एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है और एब्जॉर्ब करने का काम कंट्रोलर करता है और जनरली कंट्रोलर के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैडमियम का। ओके, और अगर हम लोग को बहुत बार न्यूट्रॉन जो इमिट होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हमें उसकी स्पीड कम करनी होती है और स्पीड कम करने के लिए हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल, मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और मॉडरेटर के तौर पर जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर का, ग्रेफाइट का और बेरिलियम ऑक्साइड का। ठीक है, अब आपका जो थोरियम और यूरेनियम है उसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में भी करते हैं क्योंकि यही वो है जिसमें कि एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और फ्यूल के तौर पर हम लोग थोरियम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। अब वो सबसे पहला एलिमेंट जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया था, मैन के द्वारा बनाया गया था, दैट इज पोलोनियम। 83 के बाद जितने भी आपके एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, यानी कि वो लाइट अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को इमिट करते हैं, उनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते। ठीक है, अब आपका जो सोलर एनर्जी है, जो आपके सूर्य में जो सूर्य की ऊर्जा है वो किसके कारण होती है, तो वो आपके न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दोनों अलग है। न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका एक बड़ा सा न्यूक्लियाई होता है जो कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है और न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करके एक बड़ा सा न्यूक्लियाई देते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई देते हैं। आपके टेप रिकॉर्डर का जो टेप है वो आपका किससे कोटेड होता है, तो आपका एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से वो कोटेड होता है। ठीक है, एक्सरे का इस्तेमाल हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं और स्पेस शटल वगैरह में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम ऑक्साइड को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पीला केक के नाम से जानते हैं और बहुत बार इसका बॉर्डर एरियाज में स्मगलिंग भी होती है। आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग कठोर, इसी को हम लोग हेवी वाटर के रूप में भी जानते हैं। ट्रीटियम आपका एकमात्र ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जो कि आपका रेडियो एक्टिव होता है, यानी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से इमिट करता है। रेडियो ट्यूनिंग जो है वो आपका रेजोनेंस का एक एग्जाम्पल है। कंप्यूटर चिप्स किससे बने होते हैं, तो सिलिकॉन से बने होते हैं।
और हमारा जो फ्यूज्ड सोडियम है उसका इस्तेमाल हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में करते हैं। ठीक है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक अलग तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें कूलेंट के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूज्ड सोडियम का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। अगर हम लोग जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रहे हैं उसकी अगर मात्रा अगर हम दुगना करते हैं, तो मात्रा दुगना करने से आपका जो रेडियो एक्टिव डिके है उसका जो रेट है वो भी सिंपली डबल हो जाएगा। अगर मात्रा दुगना करेंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कोबाल्ट 68 आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और इसका इस्तेमाल ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी आपके कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे आपकी कंडक्टिविटी नहीं शो करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन आपका जो सेमीकंडक्टर है वो रूम टेम्परेचर पे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन बहुत ही कम तापमान पे वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता। भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। हम लोग हैलोजन लैंप जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग फिलामेंट के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो टंगस्टन और आयोडीन के एलॉय का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिलामेंट के तौर पर। अब जो एटम बम है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वहां पे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रिंसिपल जो है वो आपका एटम बम के केस में अप्लाई होता है। ठीक है, हम लोग कम्पैक्ट डिस्क में जो स्टोरेज है, हम लोग सभी सीडी के बारे में जानते हैं जो कम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म है, वहां पे जो स्टोर डेटा को स्टोर करने का मेथड है वो है आपका ऑप्टिकल मेथड। ऑप्टिकल मेथड के जरिए हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब स्टार में जो एनर्जी का सोर्स है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर अब हम प्लैनेट्स की बात करें तो मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सूर्य के सबसे नजदीक होता है। मरकरी यानी कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक होता है। अगर हम लोग पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करें तो मून एकमात्र सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। और दिन और रात हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर होती है, और दिन और रात का कारण होता है पृथ्वी का घूमना, रोटेट करना। आपका चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है वहां। ठीक है, सूर्य से आपकी प्रकाश की जो किरण है उसको धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अगर हम लोग जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी में सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। एक हेली धूम केतु है, ये आपका हर एक 76 वर्ष पर देखा जाता है। ओके, अब और ये जो हैली कॉमेट होता है इसका पाथ कैसा होता है, किस पाथ पे मूव करता है, तो ये आपका इलिप्टिकल पाथ के तौर पर ऐसे मूव करता है। सबसे चमकीला तारे की अगर बात करें तो आपका डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। रेडियो वेव्स कहाँ से ट्रांसमिट होता है, तो एक आयन मंडल भी है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वहां से आपका रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होता है। अगर हम लोग एक ब्रह्मांड वर्ष की बात करें तो एक ब्रह्मांड वर्ष वो समय है जो कि सूर्य को लगता है पूरे आकाश गंगा का एक चक्कर काटे, जो समय लगेगा उसके समय को हम लोग कॉस्मिक ईयर कहते हैं। अगर हम लोग एस्ट्रॉइड की बात करें तो वो आपका मार्स और जुपिटर, मान लीजिए अगर ये हमारा मार्स है ये हमारा जुपिटर है, तो इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में आपका क्या मौजूद रहता है, एस्टेरॉइड मौजूद रहता है। और मैं पहले आपको बता चुकी हूँ ओजोन परत एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी की अगर सबसे नजदीकी ग्रह की बात करें तो आपका शुक्र यानी कि वेनस जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो ये हो गई कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फिजिक्स से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप इन चीज़ों को फैक्ट्स को अच्छे से याद करके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप सभी को सीजीएल के 2017 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल एंड दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।